फिरोजाबाद में फायरिंग करने वाले चार अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव कटोरा बुजुर्ग में दो दिन पूर्व हुई एक घर में तोड़फोड़ व फायरिंग करने और तमंचे से फायर करने के मामले में थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद कर लिया है। ये जानकारी सीओ ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। कटोरा बुजुर्ग थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में 7 जनवरी को असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में अवैध तमंचों से गिरिराज सिंह के घर पर जाकर तोड़फोड़, गाली गलौज व हवाई फायरिंग की। इस संबंध में पीड़ित का थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने दो टीमों का गठन किया था। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने नाम नवीन उर्फ भूममा उर्फ भूमिराज, देशराज पुत्र संत कुमार, बालारूप उर्फ बल्लू पुत्र प्रेमचंद, रामभरत उर्फ संतू पुत्र राजकुमार निवासी कटोरा बुजुर्ग थाना शिकोहाबाद बताया। पुलिस ने उनके पास से 3 तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद से खोजी कैमरा के लिए रिहान अली की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 7 जनवरी 2023 को समय तकरीबन रात्रि 9 बजे ग्राम कटोरा बुजुर्ग थाना सिकोहाबाद में हवाई फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी मैं पुलिस बल मौके पर पहुंचे थे। वादी गिरिराज के द्वारा गांव के ही 4 व्यक्तियों पर शराब के नशे में अकस्मात हुए विवाद में हवाई फायरिंग करने की तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु टीमों का गठन किया गया था। 24 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना सिकोहाबाद पुलिस टीम को सफलता मिली है, जिनमें से 3 अपराधी मय अवैध तमंचा तथा 1 जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। चारों अपराधियों को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कल माननीय न्यायालय